तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? आप देख रहे हैं ऑनलाइन क्वेश्चन और मैं सिर्फ अभिनय चौधरी, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने एजुकेशन चैनल में। तो जी फ्रेंड, जैसा कि बात करें, आप सबको पता है कि आप सभी का जो पीएचडी में एक बार और एडमिशन आपके लिए, आपको सभी का एंट्री जो एग्जाम होने वाला है, उस रिलेटेड बहुत बड़ा अपडेट आ गया है। वो क्या है अपडेट, आपको बताने वाला है आज के वीडियो में कि आपको जो स्टडी मटेरियल से पीएचडी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन वो कहाँ से मिलेगा, कहाँ से अपलोड कर पाओगे बिल्कुल फ्री में। अभी तो ये सारी डिटेल्स जानने के लिए आपको आज का वीडियो शुरू से जो देखना पड़ेगा। मैं आपको आज बताने वाला हूँ आपको कैसे अप्लाई करना है। अगर आप पीएचडी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो अपने इस पाठ्यपुत यूनिवर्सिटी में, तो जी गाइज, अप्लाई दोबारा से शुरू हो चुकी है, उसके लिए आपको डिसीजन देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, क्या है प्रोसेस, पूरा प्रोसेस जानने के लिए आपको किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी आपका क्या है सिलेबस, डिटेल को जानने के लिए आपको आज का वीडियो शुरू से जो देखना पड़ेगा। वीडियो पसंद को लाइक कर दीजिए, चाहे पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस तरह का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मैं सिर्फ अभिनय चौधरी, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स का अपडेट चाहिए तो गाइस, उसके लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें। प्रेस करने के बाद आपको ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ताकि हमारे चैनल पे जो भी गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स और आईटीआई और अप्रेंटिस से रिलेटेड जो भी नए अपडेट्स आए वो सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल पे गाइस आपको आईटीआई, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, एग्जाम रिजल्ट्स, सारे अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे हमारे इस चैनल पे। तो गाइस, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो मैं आ गया हूँ पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ppup.ac.in। आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको मिल जा रहा है पीएचडी एडमिशन टेस्ट पैट 2021 का। तो आपको पता है कि पीएचडी में इंटरेस्ट के लिए आपको यहाँ पर पहले उसका एडमिशन टेस्ट देना होगा। जैसे बात करें, टेस्ट पहले हो चुकी है, तो जिसको लॉगिन डिटेल्स अगर मिल गया तो उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देख पा रहे हो न्यू एप्लीकेशन फॉर्म, जिन्होंने अप्लाई पहले कर दिया है उनको दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस उनको टेस्ट देना पड़ेगा। देख पा रहे न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पीएचडी एडमिशन टेस्ट पैट 2021 के लिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के द्वारा, पर फीस कम या ज़्यादा गलत दिखने पर पेमेंट ना करें, छात्र अपनी फीस कंफर्म करके ही पेमेंट करें। किसी भी कैंडिडेट्स का फॉर्म भरने वक्त एक बार पेमेंट कट गया हो और अपडेट नहीं हुआ तो 24 आवर के बाद यूनिवर्सिटी में आवेदन के माध्यम से संपर्क करें। ओनली ऑथराइज्ड यूजर्स आर अलाउड टू प्रोसीड फर्दर। रैपिड एड्रेस देख पा रहे हो कैप्चर। तो न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, पर पढ़ने आपको मिल जा रही है कि न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो उसके लिए देख पा रहे, सबसे पहला स्टेप है आपको आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डालना होगा, फिर आपको गो फॉर पेमेंट पे क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद आप देख पा रहे हो आपको यहाँ पे स्टेप वन पीएचडी रजिस्ट्रेशन करना है, फिर पेमेंट करना है जो आपका फ़ी है, फिर ई रिसीप्ट को प्रिंट कर लेना है, फिर एडमिशन एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हो और उसे रिप्रिंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो तो कॉन्टेक्ट कर सकते हो। चलो पहले देखते हैं फ्यू एडवर्टीजमेंट, क्या एडवर्टीजमेंट आया है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी। सबको पता है कि अभी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की बहुत सारी, मगध यूनिवर्सिटी की बहुत आ गई है, तो इसीलिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी दोबारा से पोर्टल खोल दिया है पीएचडी कोर्स में अप्लाई करने के लिए। दोबारा अप्लाई कर सकते हो, पर आपको नोटिफिकेशन पढ़ने को मिल जा रही है पीएचडी एडमिशन को लेकर के, कि ऑनलाइन एप्लीकेंट्स आर इन्वाइटेड फॉर पीएचडी एडमिशन टेस्ट होने वाला है फॉर एडमिशन पीएचडी कोर्स में। तो इंटरेस्टेड एलिजिबल एप्लीकेंट्स ये फॉर्म भर सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भर पा रहे हो थ्रू यूनिवर्सिटी वेबसाइट से 5 मार्च से 20 मार्च तक सिर्फ, डेट फाइन के साथ 25 मार्च तक। डेट कब होगा आपका एंट्रेंस एग्जाम, उसका डेट पढ़ पा रहे हो 11 अप्रैल को होगा, संडे के दिन होगा। क्या क्राइटेरिया, क्या क्या है आप ही होने के लिए पीएचडी एडमिशन टेस्ट में पढ़ पा रहे हो। कैंडिडेट को कम से कम एडमिशन लेना चाहता है पीएचडी प्रोग्राम में, तो मास्टर डिग्री में कम से कम 55% मार्क्स आया हो, और देख पा रहे हो 5 मार्क्स रिलैक्सेशन दिया जाएगा कास्ट पर SC ST, और कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू परस्यू रिसर्च फॉर द पीएचडी इन द सब्जेक्ट ही होल्ड्स मास्टर। आपके पास मास्टर डिग्री है किसी को ऑर्गेनाइज यूनिवर्सिटी से, तभी आप इसमें आगे कर सकते हो अप्लाई। अपेयरिंग कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल, जो अप्लाई कर रहे हैं अपेयर जो है, पहले जो अपेयर किए हैं मास्टर डिग्री, जिनका मास्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, जिनका पीजी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और देख पर आपको यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स लिखा गया है कि ये सब लोग भर नहीं सकते हैं। और जो यहाँ पर तौर देखो कैंडिडेट्स हुए अप्लाई, जो कि पहले अप्लाई किए थे पैट 2020 में एग्जाम हुआ, तो उनको दोबारा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, साफ सब लिखा हुआ है। कैंडिडेट्स ऑफ द एग्जामटेड कैटेगरीज विल हैव टू अपीयर डायरेक्टली बिफोर द इंटरव्यू वुड एज पर शेड्यूल। ठीक है, वे क्वालिफाइड, जो क्वालिफाइड है फिर उनका इंटरव्यू होगा, पढ़ पा रहे हो। कैंडिडेट्स हुआ एग्जामटेड फ्रॉम द रिटन टेस्ट, जो नहीं दे पाए थे पैट, तो उनको रिटन टेस्ट दोबारा देने का मौका मिल रहा है। 2021 में होगा एग्जाम पैट 2021 का, उनका अपना एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट करना होगा, पेमेंट करना होगा फ़ी। अब जानते हैं फ़ी कितना होगा, कैसे अप्लाई करना है, पूरी डिटेल लिखी हुई है। कैंडिडेट्स को विजिट करना है वेबसाइट पर और पैट 2021 का लिंक फॉलो करना है। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दूंगा। ठीक है, और देख पा रहे जब फिर हो जाएगा तो आपका जो भी उसमें डॉक्यूमेंट है उसको स्टेपल करके सारे डॉक्यूमेंट्स को, टेस्ट फ़ी आपका 7 मार्च से 20 मार्च तक पेमेंट कर देना है, और विदाउट लेट फाइन तक आप 25 मार्च तक पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, 25 मार्च की बात करिएगा तो लेट फाइन लगेगा।
एप्लीकेशन फॉर्म अगर इनकम्प्लीट हुआ तो फॉर्म रिजेक्टेड होगा। एंट्रेंस टेस्ट भी देख पा रहे हो, जनरल कास्ट को देना है 1500 रुपया और SC ST EVC को 1000, लेट फाइन 500 रुपया लग रहा है। अब पेमेंट होगी ऑनलाइन, नॉन रिफंडेबल पेमेंट है। अब पैटर्न क्या होगा टेस्ट का, पढ़ पा रहे हैं, जो PHC एडमिशन टेस्ट होगा दो पेपर का होगा, 100 मार्क्स ईच। पेपर वन होगा 50 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्वालिटेटिव टीचिंग्स और रिसर्च एप्टीट्यूड पर, और पेपर टू होगा 50 MCQ क्वेश्चन पूछे जाएंगे फ्रॉम कोर कोर्स या पेपर, देख पा पढ़ने को मिल जा रही है। टेस्ट ऑफ बोथ द पेपर्स विल बी हेल्ड इन अ सिंगल सिटिंग में होगा, 2 आवर्स और 30 मिनट्स में, 2.5 घंटे का होगा। वेमर सीट पर आपको दिया जाएगा पेपर वन, जो कि 11 बजे शुरू हो जाएगा। ऑन कम्प्लीट जब आपका 1 घंटा 15 मिनट शुरू खत्म हो जाएगा यानी 12:15 में, तो कैंडिडेट्स को वेमर सीट सब जमा कर देना है पेपर वन का, और पेपर टू फिर उनको मिल जाएगा जो कि 12:30 से शुरू कर देगा, ठीक है। जो कि पेपर टू आपका खत्म कब होगा, 1 घंटा 15 मिनट, मतलब आपको 1 घंटा 15 मिनट इस पेपर पर टाइम दिया जाएगा पेपर वन पेपर टू के लिए, आपको जिसका देना है आपको एग्ज़ाम। और बात करें इसमें लिखा हुआ है कि देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें किसी पेपर्स पर। इंट्रेंस शेड्यूल यहाँ पर देख पा रहे दिया गया है 11 अप्रैल को संडे को होगा पेपर वन, टाइम है 11 से 12 बजे तक, और देख पा रहे यहाँ पर पेपर टू है 12:30 से 1:45 तक। इंट्रेंस सेंटर सबको पता है या आपके आपको वेबसाइट पर बाद में सूचना दी जाएगी, जैसे आएगी तो मैं वीडियो बना दूंगा कितनी देखिए सब्जेक्ट के लिए कितनी वैकेंसी यूनिवर्सिटी में, आप देख पा रहे सब्जेक्ट कितनी वैकेंसी है, देख पा रहे आपको वैकेंसी यहाँ पर चेक कर सकते हैं, देख पा रहे आपको इस तरह से जैसे पॉलिसी भी काम करेगा। तो फिर ये थी पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो उनको पढ़ा दिया, यहाँ पे देख पा रहे आपको यहाँ पे थोड़ी शेड्यूल दी गई है, शेड्यूल अच्छे से आप पढ़ ले समझ ले, प्रॉब्लम हो तो देख पा रहे आपको एडमिट कार्ड बात करें तो एप्लीकेशन तो आपको शुरू पता ही शुरू है, ये लास्ट डेट इसका है, फाइन के साथ भर सकते हो 25 मार्च तक, 21 से 25 फाइन लगेगा 500 रुपये एक्स्ट्रा। ऑनलाइन करेक्शन होगा इसका 26 मार्च से 27 मार्च, एडमिट कार्ड डाउन कर लोगे 6 अप्रैल से, और एग्ज़ाम कब होगा 11 अप्रैल संडे को, आंसर की अपलोड हो जाएगा 14 अप्रैल को, पैट का रिजल्ट आ जाएगा 25 अप्रैल को, इंटरव्यू फीड होगा जो क्वालिफाइड करेंगे स्टूडेंट्स उनका 28 अप्रैल से 4 मई तक होगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 15 मई को। एडमिशन इन कोर्स वर्क पढ़ पा रही उसको इस तरह साइड सबको देखने को मिल जा रहे हैं, और देख पा रहे लिस्ट ऑफ अलाइड सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब फैकल्टीज़ हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स मैं काम क्या क्या मैं काम करूँगा, ये जो नोटिस है इसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको हमारे चैनल पे आ जाओ, चैनल पे आओगे तो यहाँ पर आपको देख पा रहे हो, सबसे पहले आप हमारे कुछ ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, किसी ब्रॉस एक किसी ब्लॉग्स और एक ही सीरीज, आपको एडिटिंग बहुत अच्छी पसंद है तो एक ही सीरीज को सब्सक्राइब करें, या मोटो ब्लॉग पसंद है आपको ब्लॉगिंग पसंद है तो फिर किसी ब्लॉग को सब्सक्राइब करेंगे, या आपको कुछ टेक्निकल वीडियोज़ पसंद है हटके तो ठीक है किसी ब्रॉस को सब्सक्राइब करें, और आप सेक्शन में आओगे तो देख पा रहे हैं मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन रखा है, तो इसको आपको खोल करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमसे जुड़ जाना है, और आप चाहो तो मुझसे भी डायरेक्टली क्वेरीज पूछ सकते हो, उसके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। आप देख पा रहे हो ये है ऑनलाइन क्वेश्चन ऑफ चैनल, आपको इसे इस चैनल पे जुड़ जाना है, मैं इस चैनल पे आपको सारे PDF प्रोवाइड कर दूंगा, देखने को मिल जा रही जो भी अपडेट आती है आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं उसका अपडेट सबसे पहले इस टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। देख पा रहे आपको पीछे रिलेटिंग आई थी जो अपडेट मैंने डाल दिया है, और मैंने अभी भी कुछ स्टडी मटेरियल्स डाला है, आप जो भी सब्जेक्ट्स में अभी लेना चाह रहे हो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें, फिर स्टडी मटेरियल्स आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ से पढ़ने को मिलेगी। तो चलिए मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, आपको PHC रजिस्ट्रेशन करना होगा स्टेप वन, तो PHT 1 रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए, यहाँ पर देख पा रहे आपको नेम गाइडेड का नाम डाल दीजिए, ये कुछ गाइडलाइंस है तो पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, तो पढ़ के यहाँ पे क्लियर करके टिक करके प्रोसीड पर क्लिक करिए, फिर देख पा रहे अपना नाम डालिए, फादर नेम मदर नेम जेंडर डालिए, डेट ऑफ बर्थ कैटेगरी सब कैटेगरी डाल दीजिए, रिलीजन डाल दीजिए, नेशनलिटी आप कहाँ से रहने वाले उसका एड्रेस डालिए, फिर कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस डाल दीजिए, और आप किस सब्जेक्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं, देख रहे हैं मेन सब्जेक्ट आप क्या ले रहे हैं तो सब्जेक्ट यहाँ पे आप चुन सकते हैं, साइंस लेना हो अगर तो साइंस में क्या लीजिएगा, केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री पे क्लिक कर दीजिए, और उसके साथ साथ अगर कोई आपको सब्जेक्ट लेना है केमिस्ट्री के साथ तो ले सकते हैं, मान लो बायो केमिस्ट्री केमिस्ट्री में लेना है तो ले सकते हैं, अदर क्वालिफिकेशन क्या क्या क्वालिफिकेशन चूज़ कर लीजिए, एड्रेस प्रूफ यहाँ डाल दीजिए इसके एड्रेस प्रूफ आपके पास है, फिर यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना होगा, फिर मोबाइल नंबर ईमेल, यहाँ पर अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन डाल दीजिए PG तक का, फिर आपको यहाँ पर फोटो अपलोड करना होगा 220 KB से कम और सिग्नेचर 20 KB से कम JPG में, और इस पर क्लिक करेंगे कोड डालेंगे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा PHD एडमिशन के लिए, और सिर्फ ये इस न्यू एप्लीकेंट्स इसमें अप्लाई अभी कर सकते हैं। तो चलिए रजिस्ट्रेशन हो गया, अब आपको फ़ी पेमेंट करना होगा, फी पेमेंट के लिए इस पर क्लिक करो तो देख पा आपके फॉर्म नंबर डाल दीजिए, आपको फॉर्म नंबर तो मिल गया होगा ऐसे रजिस्ट्रेशन किए होंगे आपको मेल पर या मोबाइल नंबर पर, फॉर्म नंबर डाल दीजिए, सिक्योरिटी कोड यहाँ पर लिखा हुआ है उसको डाल दीजिए, सबमिट पे क्लिक कर दीजिए, फिर आपका पेमेंट खुलेगा, आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं आपको उस कास्ट से यहाँ पे पेमेंट खुलेगा 1500 1000 का करना पड़ेगा।
और फिर उसके बाद आपने पेमेंट कर दिया तो उसका ई रिसिप्ट आप यहाँ से प्रिंट कर लें। उसके लिए आपके यहाँ पे फॉर्म नंबर सिक्योरिटी को डाल के आपको रिसिप्ट मिल जाएगा, उसे दे सकते हो। फिर आपका एप्लीकेशन स्टेटस को चेक करना हो तो वहाँ से चेक कर सकते हो। उसके लिए अपना नाम डेट ऑफ बर्थ डाल के स्टेटस पे क्लिक करें और स्टेटस वहाँ नहीं बताएगा, 24 घंटे का बाद वेट करें तो उसके बाद स्टेटस अपडेट होगा। और देख रहे हो उसी तरह आप रीप्रिंट कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म। मान लीजिए आप प्रिंट करना चाह रहे हो तो एप्लीकेशन फॉर्म को दोबारा रीप्रिंट कर लीजिए जो कि आपने अप्लाई किया था। तो फ्रेंड्स और भी फ्रेंड्स बात करें, मैंने पूरा सिलेबस डाल दिया। क्या है सिलेबस, आखिर क्या कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे पूछे जाएंगे, उसके आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको पूरे स्टेप्स बता दिया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दिया। अगर आप PhD के लिए अप्लाई करना चाह रहे थे अपने पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में तो आपको कौन कौन से इसमें तो आपको किस तरह से अप्लाई करना है। तो फ्रेंड ये था आज का वीडियो, अभी कोई डाउट हो तो हमारे वीडियो के अकाउंट से कमेंट करना ना भूले। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन कीप शेयरिंग एंड सपोर्टिंग अस। वीडियो पसंद को लाइक करें, चाहे पे नहीं चैनल को सब्सक्राइब करें।